ददरी मेला में कल यानी 13 दिसंबर को भारतेंदु मंच पर सपना चौधरी के नृत्य प्रस्तुति कार्यक्रम के लिए व्यवस्था मजबूत की गई है। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन संत कुमार गुप्ता उर्फ मिठाई लाल ने बताया कि स्थानीय पुलिस के अलावा पीएससी बल का भी इंतजाम किया गया है और 10 बाउंसर सपना चौधरी के सुरक्षा में विशेष तौर पर लगाए गए हैं, जो उन्हें एयरपोर्ट से बलिया मंच तक लाएंगे और ले जाएंगे। चेयरमैन संत कुमार ने बताया कि इस प्रोग्राम को देखने के लिए मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और पूर्वांचल के लगभग हर शहर से लोग आ रहे हैं। भीड़ अधिक होने के आसार हैं, इसलिए सुरक्षा के भी सही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट। कितने इस मेले में लगभग कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? देखिए, टोटल मेले की जो है, ददरी मेले का टोटल लगभग 5 करोड़ का है, जिसमें केवल नगर पालिका आपको केवल हैंगर की दे रही है करीब 1 CR का, करीब है बजट। कितना का? 1 CR का है, जिसमें उसमें 1 करोड़ का है, जिसमें आप जो देख रहे हैं टोटल कुर्सी से लेकर और प्लस साउंड है, 20 दिन का हैंगर का भी है और उसका ये मंच का भी है, मतलब यहाँ की जो भी ये व्यवस्था है। नमस्कार जी, रहुआ सबके प्रणाम बा। मैं सपना चौधरी 13 दिसंबर की शाम आ रही हूँ आपके शहर बागी बलिया में, विराट ददरी मेला बलिया में। मुझे और मेरी टीम को आमंत्रित करने के लिए मैं नगर पालिका बलिया के चेयरमैन श्री संत कुमार मिठाई लाल गुप्ता जी का आभार व्यक्त करती हूँ। तो 13 दिसंबर की शाम को तैयार रहिए ददरी मेले के मंच पर, जहाँ हम लोग मचाएंगे ढेर सारा धमाल। जय बागी बलिया, जय उत्तर प्रदेश।